Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. हेलो एवरीवन। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं QCY की तरफ से एक वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन की। इसका अगर मैं पूरा नाम बता दूं तो वो है QCY M1C। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ ये ब्लूटूथ ईयरफोन आता है और मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि भाई QCY के जो ब्लूटूथ ईयरफोन है ईयरबड्स है उनके रिव्यू करो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में जो है मैं वायरलेस ईयरफोन का रिव्यू करने वाला हूं और इसको जो है हमें बैंगुड ने भेजा है, तो बिग शाउट आउट टू बैंगुड। तो गाइस ये जो है इंडिया में भी अवेलेबल है, आपको सारी लिंक बाइंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये जो है ₹2000 आता है। इसको मैं करीब 2 दिन से यूज कर रहा हूं। तो गाइस फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसके पूरे जो रिव्यू है प्रॉपर रिव्यू आपको मैं दे देता हूं। तो गाइस इस तरीके की पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। सामने की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको QCY की ब्रांडिंग मिल जाएगी और उसी के नीचे स्टूडियो ब्लूटूथ ईयरफोन्स को जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करके इन्होंने बताया है। वहीं अगर मैं बात करूँ साइड में तो आपको जो है QCY की फिर से ब्रांडिंग देखने को मिलती है और पीछे साइड जो है सारी स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है। अब अगर इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन मिलता है। इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर तक की आपको मिलती है। चार्जिंग टाइम आपको 2 आवर्स का लगता है और स्टैंड बाय टाइम जो है ये 28 आवर्स तक का ले सकता है। उसके साथ साथ इसका जो म्यूजिक टाइम है लाइक इसकी जो बैटरी बैकअप है वो 8 आवर्स आपको मिलती है और इसमें जो है आपको 90 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। तो गाइस नीचे की तरफ आपको स्क्रैच कार्ड भी देखने को मिलेगा। ये जो स्क्रैच कार्ड है वो QCY की तरफ से ही लगाया गया है क्योंकि मार्केट में आपको फर्स्ट कॉपी वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन भी देखने को मिलते हैं। तो गाइस उसको बचने के लिए आप जो अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं आपके प्रोडक्ट में अगर ये स्क्रैच कार्ड है यानी कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है, अगर नहीं है तो वो प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट कॉपी है, तो प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो सामने की तरफ आपको ब्लूटूथ ईयरफोन देखने को मिलता है, अच्छी तरीके से फिक्स किया गया है और उसी के नीचे जो है आपको एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर बाकी की एसेसरीज आपको देखने को मिलती है जैसे कि इसमें आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा ईयर हुक्स मिलते हैं, उसके साथ साथ उसमें जो है आपको USB केबल भी मिलती है। USB केबल जो है आप चार्ज वगैरह कर सकते हो अपने नॉर्मल अडेप्टर के साथ या फिर आप लैपटॉप्स कंप्यूटर के साथ भी जो है इसको चार्ज कर सकते हो। अब फटाफट से हमारे ईयरफोन को जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से जो है पैकेज, एक अलग सा पैकेट भी मिलता है, उसके अंदर मैनुअल कार्ड देखने को मिलता है। तो इस मैनुअल कार्ड को अगर आप देखते हैं तो भाई इंग्लिश चाइनीज दोनों ही लैंग्वेज में जो है आपको देखने को मिलता है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। अब हम ईयरफोन को जो है बाहर निकाल लेते हैं, हमारे वायरलेस ईयरफोन को। तो ये जो है अच्छे तरीके से स्टक्ड है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लाइक पूरी अच्छी पैकेजिंग का जो है QCY की तरफ से ध्यान दिया गया है। तो गाइस इस तरीके का ब्लूटूथ ईयरफोन देखने को मिलता है, वायर वगैरह जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक थिक है, अच्छा मजबूत है और इतने जल्दी से ख़राब नहीं होने वाला है। तो गाइस इन ईयरफोन की जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी पसंद आई है, स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर आपको मैग्नेटिक जो है लॉक भी मिलता है, अगर आप जिमिंग वगैरह कर रहे हो रनिंग कर रहे हो तो आप आराम से अपने गले में टांग सकते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ये मैग्नेटिक लॉक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शनैलिटी की, अलग अलग बटन जो इसमें दिए हैं तो भाई राइट साइड में आपको सारी फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन मिलता है, उसके साथ साथ आपको पॉज और प्ले का भी बटन मिलता है, उसी में जो है आपको माइक भी मिल जाता है और LED लाइट जो है वो ब्लू और रेड कलर में ब्लिंक होती है। अब अगर इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो गाइस 3 ही बटन इसमें दिए गए हैं लेकिन आप अलग अलग तरीके के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बीच वाला बटन दबाते हैं तो आप पॉज और प्ले कर सकते हैं सॉन्ग को, वहीं पे अगर आप वॉल्यूम अप के बटन को प्रेस करके रखते हैं तो आप जो है नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, उसी के साथ साथ वॉल्यूम डाउन के बटन को प्रेस करके आप जो है पीछे कर सकते हैं अपने ट्रैक को। अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं बीच वाले बटन को यानी कि मिडल बटन को आप अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी को भी इनेबल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कॉलिंग वगैरह के लिए भी जो है आप डबल टैप करते हैं तो आप जो है आराम से कॉल कर सकते हैं जो भी आपका रिसेंट कॉल है उसको। अब मैं आपको इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बता देता हूं। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूं उसकी साउंड क्वालिटी से। इसमें आपको बैलेंस साउंड मिलता है यानी कि बेस और ट्रिबल दोनों ही जो आपको बराबर के ही मिलते हैं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है म्यूज़िक में वो आपको क्लियरली सुनाई देता है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आता है। 2000 रुपीज़ के हिसाब से ये जो म्यूज़िक दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रीमियम वाला जो साउंड है वो आपको मिल जाता है। साइड में जो है आपको इनलाइन बटन भी मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, लाइक आपको अच्छी खासी जो है सपोर्ट दे देते हैं, आप वहीं से सब कुछ जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस अगर इसके बैटरी
बैटरी बैकअप की बात करें तो ये 2 आवर्स तक का चार्जिंग टाइम लेता है। उसके साथ साथ इसने जो मुझे म्यूजिक प्लेबैक टाइम दिया है वो दिया है 6 आवर्स का रियल टाइम में, तो काफ़ी अच्छी बात है। लाइक 90% तक जो है मैंने इसका म्यूजिक प्ले किया था, तो आराम से 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे दी है। तो गाइस 2000 रुपीज़ के अंदर में अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन देख रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये आपको banggood.com पर मिल जाएगा, तो इसकी जो बेस्ट बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इंडिया में भी अवेलेबल है, तो आप अमेजोन वगैरह से भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मुझे ये ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगा है। बिल्ड क्वालिटी वाइज, बैटरी लाइफ, साउंड क्वालिटी वाइज, सब कुछ में जो है मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा है। अगर इस वीडियो सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस ब्लूटूथ ईयरफोन में कौन से फीचर जो है सबसे अच्छे लगे, ज़रूर कमेंट करिए। उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारी फैमिली से ज्वाइन नहीं हुए, यानी कि टेक प्लस गैजेट की फैमिली से ज्वाइन नहीं हुए, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक मैं लेकर आ सकूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।